पोहरी विकास संवाद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर ग्वालीपुरा में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 30 महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम उपस्थित महिलाओं का रानी जाटव द्वारा सम्मान किया गया तथा कार्यक्रम की शुरुआत में इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना के साथ शुरू किया गया। कार्यक्रम में आशा कार्यकर्ता सुनीता वर्मा द्वारा महिलाओं के सम्मान और समानता के लिए बढ़ते कदम को लेकर चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि अब महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। आज हम देखें तो महिला हर स्तर पर अपना नाम रोशन कर रही है। कार्यक्रम में जिला समन्वयक अजय यादव द्वारा महिलाओं के सम्मान और समानता के लिए बढ़ते कदम हम सबको ऊर्जा देते हैं। वही महिलाएं भी अब किसी से कम नहीं है, हमें आगे बढ़ने के लिए अपने समुदाय के स्तर पर और समाज के स्तर पर इस कड़ी को बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। महिला पुरुष दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, एक अगर छोटा होगा तो ये गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसी तरह हमें अपने समुदाय में समाज में इस व्यवस्था को बनाने के लिए अपनी सहभागिता सहयोग की अति आवश्यकता होती है, जिसमें लड़का लड़की के खान पान स्वास्थ्य शिक्षा एवं विभिन्न प्रकार के स्थानों पर बराबरी से चलने की आवश्यकता है, जिसमें समाज और परिवार में ये व्यवस्था बनी रहेगी और महिलाएं सम्मान और समानता के लिए बढ़ते कदम दिखाई दे रहे हैं वे इसी तरह चलते रहेंगे। सीएमसी काउंसलर रानी जाटव द्वारा बताया गया कि महिला पुरुष दोनों बराबर हैं, इसलिए हमें महिलाओं का सहयोग करना चाहिए। ये भी परिवार के लोगों का कर्तव्य होता है, जैसे गर्भावस्था में महिलाओं की देखभाल, जिसमें पोषण स्वास्थ्य जैसी कार्य जैसी जरूरतों को मिलकर आसानी से किया जाता है, जिससे महिलाओं के गर्भ अवस्था के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और सुरक्षित प्रसव हो सके। देखा जाए तो प्रसव के दौरान हम सुनते हैं कि महिलाओं की मौत भी हो जाती है। इनको रोकने के लिए हमें परिवार के साथ साथ पुरुषों की सहभागिता को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है, जिससे जो मौतें होती हैं वे रोकी जा सके और माँ बच्चे दोनों सुरक्षित रहें। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अपने ग्राम ग्वालीपुरा में महिला दिवस मनाया है, महिलाओं को क्या संदेश दिया आपने? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर सरकार, संस्थाएं और समुदाय मिल करके महिलाओं के सम्मान के लिए काम कर रहा है कि महिलाएं पुरुषों से कहीं कम नहीं है। आज अगर देखा जाए तो महिलाओं की भी बहुत बड़ी बड़ी उड़ानें हैं और उन उड़ानों को वो छुएं, उसके लिए आज हम लोगों ने सम्मान का एक यहाँ कार्यक्रम रखा है कि महिलाओं का भी सम्मान हो।